केवीएस संस्कृत टीजीटी के इंटरव्यू जल्दी ही होने वाले हैं। आप सब उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं और हम भी अथक प्रयास कर रहे हैं कि आपको इसमें सफलता मिले। इसके लिए मैंने व्याकरण पर आधारित संभावित प्रश्न और उनके उत्तर के वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि साहित्य से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके क्या उत्तर होने चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं वेदों से। आपसे पूछा जा सकता है वेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, वेदांग कितने हैं, कौन कौन से हैं। उत्तर क्या है मालूम होगा, फिर भी बता देती हूँ। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग छह हैं, उनके नाम हैं शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंदस और ज्योतिष। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, ये क्रम नहीं है, मैं वैसे आपको मैं क्रम में बता रही हूँ। मुश्किल से दो चार प्रश्न पूछेंगे साहित्य से, ये मत सोचना कि मैडम जितने बता रही हैं वो सारे पूछेंगे। आदि कवि कौन कहलाते हैं, आदि काव्य कौन सा है, आदि कवि वाल्मीकि कहलाते हैं और आदि काव्य है रामायण। तो रामायण में कुल कितने कांड हैं, सात कांड हैं। उनमें से किसी का भी पूछ सकते हैं पांचवा कांड कौन सा है, सातवां कांड कौन सा है, तो आपको सातों कांडों के क्रम से उत्तर याद होने चाहिए। फिर आ सकते हैं आप महाभारत पर, महाभारत की रचना किसने की, गीता किसका अंश है, गीता में क्या कहा गया है, किसने किसको उपदेश दिया है, आदि प्रश्नों के उत्तर बनते हैं। एक कोई सेंटेंस पूछा जा सकता है, कोई श्लोक बोल करके पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है। मान लो एक पंक्ति है, क्लैव्यम मास आगमः पार्थ, यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि महाभारत के अध्यायों को क्या नाम दिया गया है, उत्तर है पर्व। कवि कुलगुरु के नाम से कौन विख्यात हैं, कालिदास। कालिदास पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनकी कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी हैं, कितने उन्होंने नाटक लिखे, कितने महाकाव्य लिखे, कितने खंड काव्य लिखे, शायद ये जानकारी आपको होगी। कुल सात रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से तीन नाटक हैं। उनके नाम हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। दो महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंशम। दो खंड काव्य हैं ऋतु संहार और मेघदूत। इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बन सकता है कि मेघदूत में कितने खंड हैं या मेघदूत कितने खंडों में विभक्त है, उत्तर है दो खंड हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। फिर आपसे पूछ सकते हैं कोई श्लोक की लाइन बताकर या पूछकर कि ये किस ग्रंथ में है, ये जैसे वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है, इसका उत्तर है रघुवंश। और आपसे पूछा जा सकता है आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे, यह वाक्य किस ग्रंथ का है, आषाढ़ मेघदूत शुरू होता है, यहां से मेघदूत का है ये वाक्य। इस तरह के प्रश्न कालिदास से रिलेटेड, कालिदास किस लिए जाने जाते हैं, उपमा के लिए। भारवी किस लिए जाने जाते हैं, दंडी किस लिए जाने जाते हैं, माघ किस लिए प्रसिद्ध हैं, इत्यादि प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए आपको ये श्लोक याद कर लेना है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। कालिदास उपमा के लिए, दंडी पदलालित्य के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए और माघ में ये तीनों गुण हैं। कुछ रचनाएं देकर उनके कवि पूछे जा सकते हैं, कुछ कवि पूछकर उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। जैसे पूछ सकते हैं भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, नाट्य शास्त्र। उल्टा पूछ सकते हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, आंसर है भरत मुनि। इसी तरह से
आपसे पूछ सकते हैं कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की। सोमदेव की प्रसिद्ध रचना क्या है? कथा सरित सागर। भारवी रचित किसी ग्रंथ का नाम बताइए। भारवी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की। माघ में प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश और पंचतंत्र में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज्ड रहते हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा और हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। इसको थोड़ा याद रखना। भर्तृहरि के तीन शतक कौन कौन से हैं? नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। नीति शतक का कोई श्लोक सुनाने को कहा जा सकता है। बहुत छठी से आठवीं तक की किताबों में नीति श्लोक बहुत सारे हैं, वहां से आप कोई श्लोक याद कर सकते हैं। कालिदास का यदि कोई श्लोक सुनाने को कहें कि कालिदास का कोई श्लोक सुनाइए, या वैसे आपसे कहा जाए कि कोई श्लोक गाकर सुनाइए, तो आप कोई सामान्य सा श्लोक ना सुना करके कालिदास का ही श्लोक सुनाएं। कहें ना कहें, श्लोक सुनाने के नाम पर आप कालिदास का श्लोक, वो भी अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से, जो चार श्लोक प्रसिद्ध हैं, उनमें से यदि आप श्लोक सुनाएंगे तो काफी प्रभावी रहेगा। और वो श्लोक कैसे सुनाना है, एक श्लोक आपको शास्त्री सर सुनाकर बता रहे हैं। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। यास्यात्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लाव्यं मम तावदीदृशमिदम् स्नेहादरण्यौकस पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्न वै। धन्यवाद। इस तरह आपको ये शार्दूल विक्रीडित छंद में श्लोक सुनाना है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कुल मिलाकर आपको बीए में और एमए में जो भी आपने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, उन सबके आपको नाम पता होने चाहिए और उनके कवि लेखकों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दो चार चार पांच प्रश्न से ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछते हैं। थोड़ा वो पूछ सकते हैं, माहेश्वर सूत्र पूछा जा सकता है, तकरीबन बच्चों को याद रहते हैं। नहीं याद है तो आप कर लीजिए, थोड़ा सुन के ही रोक दिया जाता है। तो केवल आपका आत्मविश्वास देखना होता है। यदि नहीं भी आते प्रश्न, कोई घबराने वाली बात नहीं है। न ज्ञातम महोदय महोदया कहकर आप अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें। कोशिश करें कि पहले ही तैयारी से जाएं। जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनको तो ध्यान से आप याद कर ही लें, और भी जानकारी आप एकत्रित कर लेना। धन्यवाद।